अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान क्लैन हाशमी आज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि इमरान खान साहब ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया है, उस वजह से देखते हैं कि जो छोटे तबके के लोग हैं, छोटे कारोबार के जो करने वाले जो लोग हैं, जैसा कि ये सब्जियाँ पीछे लगी हुई हैं इस साइड पे और ये फल फ्रूट्स वाली दुकानें हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी इस मामले में क्या रहा है और उनके कारोबार पे इस चीज़ का कैसा असर पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र है अल्लाह का जी। क्या नाम है आपका? कुरबान अली। कुरबान अली, माशाल्लाह। अच्छा कुरबान भाई, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है लॉकडाउन का कि 6 बजे तक सारी मार्केटें बंद होनी चाहिए, तो इस चीज़ का तुहाडे कारोबार ते की असर पिया? उन्हें फर्क शहर ही बिकनी साड़ी तो कोई शाम तो बाद लॉकडाउन लग गया तो फर्क आता फिर क्यों, जो तो कोई बंदा रहा ही ना फ्रूट लिया, फ्रूट खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फायदा की होना? कुछ भी फायदा नहीं होना। माशाल्लाह, कितने रहते हो? इतने। अच्छा, अपना घर है? नहीं। अच्छा, पहले कितना कमा लेंगे? 600-700। पहले भी रेडी लाते? हाँ जी। तो हूँ कितना कमाते? हूँ इन्हें भी नहीं कमाया जाता। की कहना चाहोगे? 200-400 को कमाई था बस। जरा लॉकडाउन लगे है, यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह नहीं होना चाहिए। क्यों? हूँ जो सौदा ही नहीं बिकना, कुछ होना ही नहीं था, तो लॉकडाउन की भुखा ही मरना। चलो बड़ी मेहरबानी जनाब। ये बताएं कि पहले आपका कारोबार कैसा था और अब कैसा? मंद, बहुत मंदे कारोबार। क्या यानी कि क्या असर पड़ा आपके कारोबार? बहुत असर पड़ा है। पहले आप कितना कमाते थे? पहले 800-900 कमा लेते थे, उन 500-600 कमा लेते। अब 500-600 गुजारा होता है इसमें? नहीं गुजारा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशानी है। और बस परेशानी? चले लापाक आपकी परेशानी जो हल कर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद भाई, क्या करते हैं? मेरा लेडीज़ बुटीक का काम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया कि 6 बजे तक जो मार्केटें क्लोज होनी चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन की वजह से ये है कि थोड़ा सा ये है कि कस्टमर डिस्टर्ब है, हमारे कारोबारी जो है, इस कारोबार इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, तो ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम का बेनिफिट दें। ये है कि मार्केट में ये कि बाज़ कस्टमर आते हैं वो SOPs का ध्यान भी रखते हैं, बाज़ आते हैं उस पर कोई एहतियाती तदबीर वगैरह कोई उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये है कि थोड़ा सा हम लोगों को टाइमिंग का रिलीफ देना चाहिए इन्हें। इससे ये है कि कोरोना जिस तेज़ी से फैल रहा है, टाइम के रिलीफ का बेनिफिट ये है कस्टमर डिवाइड हो जाएगा, इससे ये है कि बेनिफिट मिलेगा, हम लोगों को भी मिलेगा, कस्टमर की ये है कि ज़्यादा जो है ना आउटपुट वो उससे ज़रा बेहतर रहेगी कस्टमर की। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना? लॉकडाउन की सीधी साफ सी बात है प्यारे भाई, लॉकडाउन की हमायत कोई भी नहीं कर सकता, सीधी साफ सी बात है। हम लोग सारे जितने भी खड़े हैं सारे टोटली तकरीबन मिडिल क्लास लोग हैं, तो लॉकडाउन की हमायत मेरी नज़र में कोई भी नहीं चाह रहा। ठीक है, SOPs पे होना चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। मास्क सिर्फ एक बंदा मास्क यूज़ करता है तो वो अपनी पूरी फैमिली को सेव करता है, एहतियाती तदाबीर पे पूरा अमल होना चाहिए, तो ये है कि इसमें बेनिफिट सबके लिए ही है, लेकिन लॉकडाउन जो है ना वो नहीं होना चाहिए, टाइम में हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, इसमें ये है कि हमें भी बेनिफिट मिलेगा और जो कस्टमर परचेजिंग के लिए आता है उसको भी बेनिफिट। मैं आपका मोहम्मद नईम जी। मोहम्मद नईम। अच्छा नईम भाई, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है लॉकडाउन जो है वो 6 बजे तक जो है सारी मार्केटें ऑफ होनी चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मार्केट तो ऑफ हो नहीं रही, मार्केट तो अभी तक ओपन रहती, 6 बजे पहला दिन है जो बंद हुई हैं, क्योंकि लोग गरीब आवाम में कैसे बंद करेगी, क्योंकि लोगों के रोज़गार नहीं चल रहा, कैसे बंद करेंगे? वैसे इमरान खान साहब ने जो वो 6 बजे तक का जो है वो शो वगैरह बंद करने का ऐलान किया, तो आपको नहीं लगता कि 6 बज गए और बल्कि 6 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है? नहीं, हमारा तो मेडिकल स्टोर, हम कैसे 6 बजे बंद करें? बंद तो वो करेंगे जो कपड़े की शॉप वगैरह या दूसरी हैं, ठीक है, जो खरीदार छोटी चीज़ें हैं। आपको लगता है कोरोना है? कोरोना है भी है नहीं भी है? क्या मतलब है भी है, पेशेंट काफ़ी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब ने जो लॉकडाउन किया है 6 बजे तक मार्केटें सारी क्लोज होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? फैसला तो ठीक है लेकिन अमल होना चाहिए, अमल नहीं हो रहा। तो इससे ये भी तो है ना, जो गरीब तबका, जो छोटे तबके के लोग हैं जिन्होंने छोटे मोटे कारोबार बनाए हमें अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, उन्हें भी तो थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? दुश्वारी अपनी जगह, बीमारी अपनी जगह पे, बीमारी का तो इलाज करना ही करना है, जान है दुश्वारी इंसान उठा लेते हैं, लेकिन बीमारी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, यानी कि जान है तो जान है। हाँ जी, जान है। बड़ी मेहरबानी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। क्या नाम है आप? ज़हूर हुसैन सुबानी जी। ज़हूर हुसैन सुबानी। ज़हूर भाई, क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री में जो काम करता हूँ। कौन सी फैक्ट्री? निशाद। निशाद फैक्ट्री में। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जैसे ऐलान किया है कि लॉकडाउन जो है वो 6 बजे तक जो है मार्केटें सारी क्लोज होनी चाहिए, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
इस बार जो किया लेकिन ठीक है, लेकिन काफ़ी मार्केट में होता है, नहीं बंद करते लेकिन काफ़ी मार्केट भी हो जाती है तो बंद करती हैं। आज यहाँ पे आग मुलाजमों ने दुकानें बंद करवाई हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो इससे ये जो लॉकडाउन इमरान खान साहब ने लगाया है इससे गरीब जो तबका है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है? भाई वो बिल्कुल ये हो रहा है क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा हो जा रही है, काम से मुलाजमत को निकाल जा रहा है लोगों को। आपको क्या लगता है कोरोना है? कोरोना है भी है और नहीं भी है। क्या मतलब? कि काफ़ी वो बाहर मालिक में कह रहे ज़्यादा कोरोना और पाकिस्तान में है लेकिन इतना नहीं है जितना ये कह रहे हैं। आपने वोट दिया? मैंने, मेरा वोट का हुआ नहीं, आईडी कार्ड अभी बना है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको खुश।